हिमाचल की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। और आज की प्रमुख हेडलाइंस हैं, हिमाचल में जून से स्कूलों में रौनक लौटेगी, सिरमौर बिलासपुर में लौटा कोरोना, कांगड़ा में मार्च जारी, पूरी कोरोना की हिस्ट्री, आज कितने केसेस टोटल हो चुके हैं इस पे नज़र डालेंगे, शिमला में बनी है हिमाचल की पहली सोशल डिस्टेंसिंग कार, प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन सरकार देगी, 20 लाख करोड़ के पैकेज की खुली दूसरी पिटारी, किसानों को रियायतें कर्ज की सौगात, हिमाचल के लिए इसमें क्या है इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें हिमाचल की कोई भी करंट अफेयर न्यूज देखने के लिए। तो चलिए विस्तार में अब खबरों को जान लेते हैं। हिमाचल में जून से स्कूलों में रौनक लौट रही है, शिक्षा मंत्री का ऐलान है, हिमाचल प्रदेश में 31 मई के बाद स्कूलों में रौनक लौट सकती है। हालांकि जून जिन स्कूलों में 20 से कम छात्र होंगे उन्हीं स्कूलों में सरकार कक्षाएं शुरू कर सकती है। ऐसे में प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर सरकार कोई फैसला ले सकती है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसको लेकर गुरुवार को संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुए लगता है कि 31 मई तक स्कूल कॉलेज को खोला जा सकता है। अगर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ जाता है तो छात्रों को लर्निंग अकाउंट्स में कोई बुरा प्रभाव न पड़े, इसीलिए स्कूल की तिथि 31 मई के बाद ही खुल सकती है। 31 मई के बाद 20 से कम एनरोलमेंट वाले स्कूल खुल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट शुरू होने पर ही स्कूल कॉलेज खोलने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन जो एग्ज़ाम अभी बचे हैं जैसे प्लस टू के कुछ एग्ज़ाम से उनके ऊपर जो उनके बात कही कि प्लस टू में सिर्फ ज्योग्राफी का पेपर ही होगा लेकिन पेपर ज़रूर होगा, ये उन्होंने कहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर पर नज़र डालते हैं। कोरोना है कि अब थमने का नाम नहीं ले रहा, बाहर से जो लोग प्रवासी आए हैं उन्होंने हिमाचल की थोड़ी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। हिमाचल में संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए हैं, सिरमौर बिलासपुर में दोबारा दस्तक दी है कोरोना ने और कांगड़ा में मार फिर भी जारी है, वहां पर एक और केस निकल के आ रहे हैं। सिरमौर तथा बिलासपुर में कोरोना ने दोबारा पांव पसार लिया और कांगड़ा में इसके कहर लगातार जारी है। इसके अलावा हमीरपुर में भी कोरोना ने पांव पसार दिए हैं। गुरुवार को हिमाचल में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं जिनमें 2 सिरमौर, 2 कांगड़ा और 2 बिलासपुर और 1 हमीरपुर से है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरमौर के पोंटा में 4 मई को दिल्ली के शाहदरा से लौटी 30 वर्षीय महिला अपनी बेटी सहित कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बिलासपुर के स्वारघाट में व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित पाया गया है, भरूच में बताया जा रहा है, और अहमदाबाद से लौटा था बिलासपुर से ही 43 वर्षीय व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव जो कोविड अस्पताल मंडी में दाखिल है, ड्राइवर के साथ संपर्क में आया था। इसी तरह जो अब स्थिति निकल के आ रही है 26,474 लोग निगरानी में हैं, कुल नेगेटिव जो आए हैं वो 13,927 हैं, कुल पॉजिटिव जो हैं वो 74 हैं, ठीक जो हुए हैं वो 35 हैं और जो उपचाराधीन हैं वो हैं 33, मतलब जो अभी पॉजिटिव केसेस निकल के आ रहे हैं। अभी कुल स्थिति आपको स्क्रीन पर हम दिखा सकते हैं कि 74 यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फर्म केसेस हैं, 4 माइग्रेटेड हैं, 35 रिकवर हो चुके हैं, 2 की डेथ हो चुकी है और 26,474 अभी भी सर्वेलेंस में है। लेकिन शांति देने वाली बात वो ये है कि वेंटिलेटर और सीरियस केस अभी भी हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई नहीं है जिसको वेंटिलेटर लगाने की ज़रूरत पड़ी हो। अब आपके लिए कुछ जानकारी, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप सेंट्रल हेल्प नंबर 104 पर मिला सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर फैमिली वेलफेयर पे 1075 पर आप कॉल कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल के आई है वो है शिमला में बनी है हिमाचल की पहली सोशल डिस्टेंसिंग कार। आइए इस पे नज़र डालते हैं कि कैसी है ये कार और किस तरह के फीचर्स लेके आई है ये कार। तो इसकी अगर हम बात करें कि हिमाचल में जो पहली शिमला में ये चेड़ी के नरेंद्र ने मॉडिफाई की है गाड़ी और 4 कैबिन बनाए हैं। यात्रियों का नहीं होगा एक दूसरे से इसमें संपर्क, सभी सुरक्षा उपकरण गाड़ी में है, मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश भी रखा जा सकता है ताकि सफ़र के दौरान इसका प्रयोग यात्री कर सकें। इसके अलावा गाड़ी में एक डायरी भी रखी गई है जिसमें हर आने जाने वाले का आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। 7,000 आया है इसका खर्च इसमें मॉडिफिकेशंस का, गाड़ी को 6,000 से 7,000 रुपये में मॉडिफाई किया गया है। इससे भराड़ी के साथ लगते दुधली क्षेत्र के अजय ठाकुर की वर्कशॉप में मॉडिफाई किया गया है। अब गाड़ी कितनी सेफ है इसका पूरा पता विशेषज्ञों के निरीक्षण के बाद ही लगाया जा सकेगा। अगली महत्वपूर्ण जो खबर निकल के आई है कि सरकार ने किए हैं बड़े ऐलान और इन ऐलानों में हो रहा है बहुत ज़्यादा फायदा। हिमाचल प्रदेश इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं प्रवासी मजदूरों को मिलेगा मुफ्त राशन, 20 लाख करोड़ के पैकेज की खुली दूसरी पिटारी, किसानों को रियायत कर्ज की सौगात दी गई है।
जो 20 लाख करोड़ रुपए का बूस्टर हर सेक्टर की ओर और वर्क का ख्याल रखने की इसमें कोशिश की गई है। इसमें पैकेज के ब्रेकअप के बाद दूसरा हिस्सा जनता के सामने रखते हुए निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर, शहरी गरीबों और छोटे व सीमांत किसानों के लिए ये बड़ा ऐलान है। प्रवासी मजदूर, किसान और गरीबी हमारी प्राथमिकता है। संकट आने पर हमने सबसे पहले गरीब के खाते में पैसे पहुंचाए। लॉकडाउन ज़रूर है लेकिन सरकार लगातार दिन रात काम कर रही है। अब राहत क्या है, 2 महीनों के लिए बिना राशन कार्ड भी मुफ्त अनाज मजदूर ले सकेंगे। प्रति सदस्य 5 किलो राशन, प्रति परिवार किलो चना। केंद्र सरकार करेगी 3500 करोड़ रुपये खर्च। 8 करोड़ प्रवासी मजदूर होंगे लाभान्वित। मनरेगा से मिलेगी प्राथमिकता। कम किराए पर दिया जाएगा इन्हें घर। वन नेशन वन कार्ड योजना अगस्त में शुरू हो जाएगी। रेडी फेडी वालों को मिलेगा 10,000 का लोन। अब हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर ये है कि 3 करोड़ किसानों के लिए 30,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड दिया गया है। नाबार्ड से मिलने वाले 90,000 करोड़ के अतिरिक्त है ये पैसा। छोटे किसान जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के किसान भी इसमें आते हैं, को रियायत दरों पर 4 लाख करोड़ का लोन भी मिलेगा। किसानों को कर्ज के ब्याज पर 31 मई तक दी जाएगी छूट। और मछुआरे और जो पशुपालक हैं को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड में लाभ और 1 साल की ग्रेजुएटी का भी लाभ मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार लेबर कोड के जरिए श्रमिकों के हित के लिए बड़ा बदलाव करने जा रही है। उन्होंने बताया कि ये अभी संसद में लंबित है और वहाँ से पैसा होने के बाद ही श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। आज की इस बुलेटिन आपको कैसा लगा, आई होप आपको वीडियो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल को लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है, और बिना लाइक और सब्सक्राइब आप चैनल से ना जाइएगा। आई होप आपको ये हमारा बुलेटिन अच्छा लगा हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।